कांकेर जिला मुख्यालय स्थित मेला भाटा मैदान में 4 दिनों तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से दुकानदार पहुंचे हैं। यहां बच्चों के मनोरंजन के लिए कई प्रकार के झूले भी लगाए गए, खाने पीने के लिए कई होटल भी खुल गए। वहीं मीना बाजार में इस बार जापानी टेक्नोलॉजी से बने लालटेन झूला विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। मेले में होने वाली भीड़ के मद्देनजर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है। मेले को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। दुकानदारों होटल संचालकों द्वारा दुकानें सजा दी गई। मेले में लगे झूले भी लोगों का इंतजार कर रहे हैं। मीना बाजार के संचालक संतोष यादव ने बताया कि मीना बाजार में इस बार सबसे बड़ा जापानी टेक्नोलॉजी से बने लालटेन आकाश झूला है और बच्चों के लिए ब्रेक डांस, ड्रैगन व अन्य प्रकार के झूले लगाए गए। सर बताएंगे मेला को लेकर जो है बैठक लिया गया, क्या है बैठक में क्या निर्णय लिया, क्या है बताएंगे? जैसा कि आप सभी को विदित है, कांकेर एवं गोविंदपुर में क्रमशः 7 तारीख एवं 12 तारीख से मेले का आयोजन होना है। उसके पूर्व यहाँ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। एडीएम सर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पत्रकार साथी, मेला समिति के सदस्य, गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। उनके द्वारा जो बिंदु रखा गया है, उस सबको ध्यान में रखते हुए मेला का सफल आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। 24 घंटे यहाँ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। पुलिस यातायात व्यवस्था रहेगी, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था की गई है। गोविंदपुर की ओर से आने वाले गाड़ियों एवं कोंडागांव की ओर से आने वाली गाड़ियों के लिए दोनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। लाइट व्यवस्था के लिए सीएसईबी की ड्यूटी लगाई गई है। 24 घंटे कानून व्यवस्था के लिए पेट्रोलिंग सुनिश्चित किया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वहाँ 24 घंटे डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रहेगी। पानी के लिए अलग से टैंकर की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि कहीं दिक्कत ना हो। शौचालय, बायो टॉयलेट या की व्यवस्था की जाएगी। एवं जो भी खाद्य सामग्रियाँ मेले में बिकेंगी, उसके लिए एक दल बनाकर उसको जांच कराया जाएगा। सर, इस बार हमारे मेला में जो है ना, एक नया झूला आया है, लालटेन झूला जिसको बोलते हैं, 26 ईयर ज्वाइंट बिल का झूला जिसको बोलते हैं। अभी इस साल जो है मेला का रौनक यही है, बाकी तो ब्रेक टावर, ड्रैगन ये सब लगा हुआ है और ये पहली बार आया इतना बड़ा झूला। अच्छा, जापानी झूला में कितने लोग बैठ सकते हैं, कितनी हाइट है इसको? ये हाइट कम से कम 52 से 55 फीट तक है। 26 ईयर झूला है ये, लालटेन झूला बोलते हैं इसको। आपके शहर में पहली बार लगा हुआ है ये, पहली बार लाए हैं। क्या आकर्षण बनेगा इस झूले से? आकर्षण तो बनेगा, हम तो दिमाग में ही बना के लाए हैं कि इस बार जो है पूरा पब्लिक इसको एंजॉय करेगी। अच्छा, ये बताएंगे भैया, मैं पूछना भूल गया, कितना दिन लगता है झूला को बनाने में, जापानी झूला को फिट करने में? जी, फिट करने में इसको 10 दिन का समय चाहिए। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, और बोलना फिट करना 10 दिन का समय चाहिए इसका? हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बता देंगे प्राइस क्या रहेगा, ये भी बता दीजिए आप। प्राइस तो इसका 100 रुपए रहेगा। 100 रुपए रहेगा। और जैसे कि अभी 50 रुपए रहेगा, 20 रुपए रहेगा, 20 रहेगा। ये आकाश झूला जो 26 ईयर अपना आया हुआ है, ये लालटेन झूला 100 रुपए, 100 रुपए रहेगा जी। और जैसे कि क्या कहना चाहेंगे कांकेर शहरवासी से? मैं तो शहरवासी को यही बोलेंगे कि आए, मेला को एंजॉय करें, शांतिपूर्वक शांति बनाए रखें। हर झूला का मीना बाजार यहाँ से नीचे तक जितना लगा हुआ है, सबका भरपूर मनोरंजन उठाए, शांति बना के मेला को एंजॉय करें, बस यही चाहता हूँ। सर, क्या नाम है? संतोष यादव। पखांजू से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।